नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। लास्ट वीक हमने देखा है कि एडिबल ऑयल्स में रिकवरी देखने को मिली, डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिला। हालांकि हमने देखा कि इंपोर्ट ड्यूटी का डिसीजन लिया गया है, एक्सपेक्टेड है, उसकी वजह से भावों में कुछ नरमी देखी जा सकती है। आज के लिए सोयाबीन सपोर्ट 7380, रेजिस्टेंस 7570, रिफाइंड सोया 1278, रेजिस्टेंस 1308, आरएम सीड 7070, रेजिस्टेंस 7280, सीपीओ सपोर्ट 1012, रेजिस्टेंस 1035। तो अगर हम देखें तो कोरिएंडर, सोयाबीन, रिफाइंड और सीपीओ के अंदर आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। कैबिनेट की तरफ से इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की बात देखने को मिली है, जिससे भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। अगर हम पल्सिस की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक लिमिट लगाई गई है, एक्सपेक्टेड है चने के भावों में भी कुछ नरमी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। चना में सपोर्ट 4930, रेजिस्टेंस 5170। ग्वार सीड ग्वारगम की बात करें तो यहाँ पर हमने लास्ट वीक में पॉजिटिव क्लोजिंग आते हुए देखी है, एक्सपेक्टेड है ग्वार सीड ग्वारगम में ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ग्वारगम सपोर्ट 6270, रेजिस्टेंस 6430, ग्वार सीड सपोर्ट 4020, रेजिस्टेंस 4230। वहीं अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो यहाँ पर हमने एक मिला जुला रुख देखा है, एक्सपेक्टेड है आज भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट जीरा टर्मरिक में देखी जा सकती है, हालांकि टर्मरिक का ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। जीरा सपोर्ट 12800, रेजिस्टेंस 13550, टर्मरिक सपोर्ट 7250, रेजिस्टेंस 7650। मैंथा के अंदर हमें ट्रेंड पॉजिटिव देखा जा सकता है, मैंथा में सपोर्ट 990, रेजिस्टेंस 1050। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।